नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में इंडिया फिजिकल से कुछ और प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ नए प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, इसमें हमें सत्यकथन का चयन करना है। पहला कथन है, पालघाट दर्रा जिसे स्थानीय रूप में पलक्कड़ गैप कहते हैं, इसी से तमिलनाडु और केरल को सड़क द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो पालघाट दर्रा है, इसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं? पलक्कड़ गैप। तो इसे कहां से कहां तक सड़क द्वारा जोड़ा गया है? तमिलनाडु और केरल। इसको केरल और तमिलनाडु को जोड़ दिया गया है सड़क द्वारा। तो ये पालघाट दर्रा के बारे में बोल रहा है। दूसरा है, पालघाट के दक्षिण में पर्वतीय ग्रंथि जिसे अनाईमुदी पर्वतीय गांट कहते हैं, यह तीन दिशा में निकली है। पालघाट जो है उसके साउथ में, उसके दक्षिण में पर्वतीय ग्रंथि है जो कि जिसे नाम दिया गया है अनाईमुदी पर्वतीय गांट। तो ये जो है तीन दिशा में निकला हुआ है। तीसरा कथन है, अनाईमुदी ग्रंथि की उत्तरी दिशा में निकली पहाड़ी अन्नामलई तथा उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी विस्तृत है। तो ये तीसरा कथन था। चौथा है, पालनी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। और ये सभी कथन है, सभी कथन बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा को स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं? पलक्कड़ गैप बोलते हैं। इसे तमिलनाडु और केरल के बीच में सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है। इसी तरह से पालघाट के दक्षिण में एक पर्वतीय ग्रंथि है जिसे अनाईमुदी पर्वतीय गांट कहते हैं, और ये तीन दिशा में निकला हुआ है। ये जो तीन दिशा में निकला हुआ है, ये जो ग्रंथि है, इसको उत्तर दिशा में जो निकला है, उत्तरी पहाड़ी जो है इसकी, उसको क्या बोलते हैं? अन्नामलई। और जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो नॉर्थ ईस्ट में होगी उसे क्या बोलेंगे? पालनी। और साउथ वाले को क्या बोलते हैं? कार्डमम। ये जो पालनी पहाड़ी है, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही विस्तृत है। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये है पालघाट गैप। ये रहा पालघाट गैप के दक्षिण में क्या है? ये रही अन्नामलई हिल्स। इसी को ये बोल रहा है कि तीन उसमें निकली हुई है, तीन दिशा में। तो ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, जो नॉर्थ में है, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ वाले को, ये जो नॉर्थ में निकला हुआ है इसे अन्नामलई, ये रही अन्नामलई। और जो निकला हुआ है उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में ये पालनी, ये है पालनी हिल्स। और साउथ में जो है, ये रही कार्डमम हिल्स ये रही। तो ये जो पालनी है, इसी को बोल रहा है कि ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में। तो हमने इसकी अवस्थिति देख ली कि ये पालघाट गैप है, इसके साउथ में है अन्नामलई हिल्स, ये तीन दिशा में निकली हुई है, उत्तर वाले को अन्नामलई और साउथ वाले को कार्डमम, और जो नॉर्थ ईस्ट में है वो पालनी हिल्स है। और पालनी हिल्स जो है मुख्य रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु। पालघाट दर्रे से ही केरला और तमिलनाडु को सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये हमने देखा पालघाट दर्रा, इसको स्थानीय उसमें क्या बोलते हैं? स्थानीय रूप से इसे बोलते हैं पलक्कड़ गैप। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। अन्नामलई और कार्डमम पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलई और कार्डमम पहाड़ियां कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। दूसरा है, कोडाईकनाल पर्यटन स्थल पालनी पहाड़ी पर स्थित तमिलनाडु में है। तो जब मुख्य रूप से पालनी पहाड़ी जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर कोई स्थल स्थित है तो वो तमिलनाडु में ही होगा। तो कोडाईकनाल जो है कहाँ पे है? पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ी पर है, और ये तमिलनाडु में है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। एक बार इसे भी देख लेते हैं हम। अन्नामलई और कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरला के उस पर है। तो ये रहा कार्डमम और ये रही अन्नामलई। तो ये किसकी सीमा पर है? तमिलनाडु और केरला की सीमा पर है ये दोनों। और ये क्या कह रहा था कि जो कोडाईकनाल क्या है, पर्यटक स्थल है, वो कहाँ पर है? वो पालनी हिल्स पर है। तो ये रही पालनी हिल्स, ये रही पालनी हिल्स, इसी पर क्या है? कोडाईकनाल। तो हमने ये देख लिया, इसकी अवस्थिति देख ली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये दर्रे दिए गए हैं और ये उन किस राज्य में है उनको,
तो चलिए देखते हैं, थाल घाट मुंबई से नागपुर, भोर घाट मुंबई से पुणे, पाल घाट तमिलनाडु से केरला, और सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम से मदुरै। तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जो ये थाल घाट दर्रा है वहां से मुंबई से नागपुर जाते हैं, भोर घाट से मुंबई से पुणे, और पाल घाट को तमिल से केरला, ये अभी मैंने बताया इससे पहले वाले प्रश्न में, पाल घाट दर्रा। और सेनकोट्टा दर्रा जो है, सेनकोट्टा गैप जो है वहां से तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक की सड़क जाती है। तो ये सभी हमने देख लिया, राज्य और दर्रा, तो ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। तो हमने ये देख लिया, अब एक बार इनकी भी अवस्थिति देख लेते हैं। मैप में सही से देखेगा नहीं, तो मैंने खुद से मैपिंग की है, तो आपको एक बार दिखा दूं मैं आपको। ये थालघाट दर्रा है, ये थालघाट दर्रा है, उसके बाद आता है कलसुबाई चोटी, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, फिर डोडा बेटा, उसके बाद डोडा बेटा, फिर ये नीचे है ये पालघाट दर्रा, ये पालघाट दर्रा है, फिर है अनायमुटी। ये हमने देख लिया, सेनकोट्टा गैप जो है इधर है, इधर की साइड है, तमिल की साइड, ये सेनकोट्टा गैप। तो सेनकोट्टा गैप कहां से, तिरुवनंतपुरम से मदुरै, ये रहा मदुरै और तिरुवनंतपुरम, तो ये क्या करता है, सेनकोट्टा गैप तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक ये सड़क द्वारा जोड़ा गया है, मदुरै जाते हैं, तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का रास्ता है ये सेनकोट्टा गैप। तो हमने देख लिया ये है थालघाट दर्रा, फिर उसके बाद नीचे कौन सी है, कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, डोडा बेटा, पालघाट दर्रा, अनायमुडी, फिर उसके इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो ये रहा सेनकोट्टा गैप, सेनकोट्टा गैप ये रहा, ये तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का ये है। तो हमने ये देख लिया, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, पूर्वी घाट क्रमबद्ध ना होकर कथा छटा है क्योंकि प्रायद्वीपी भारत का पठार का ढाल पूर्व की ओर है और यहाँ की अधिकांश नदियां पूर्वी तट पर बहती हैं, इन्होंने पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। तो ये जो पूर्वी घाट है ये क्रमबद्ध ना होकर कटा छटा है, इसका कारण यही है कि जो प्रायद्वीपी भारत का पठार है वहां का ढाल जो है पूर्व की ओर है, और जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियों का उद्गम होता है वो नदियां चूंकि उसका जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है तो वहां से निकलती हैं, तो ढाल की तरफ ही जाएंगी नदियां, तो वो पूर्व की ओर बहती हैं, और पूर्व की ओर बहकर इन्होंने क्या किया है, पूर्वी घाट का जो पूर्वी घाट है उसे काट छाट दिया है। तो यही कारण है ये कटा छटा है, पूर्वी घाट क्रमबद्ध ना होकर कटा छटा है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच पूर्वी घाट बिल्कुल गायब हो गया, यानी कि जो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो आपस में मिल गया है, तो वहां से जो पूर्वी घाट है वो एकदम ही गायब हो गया है, बिल्कुल सही है ये कथन। तीसरा है, पूर्वी घाट के पर्वत को अलग थलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है, जो पूर्वी घाट का पर्वत है उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे नालकोंडा, वेलिकोल्डा, पालकोंडा आंध्रा में, जबकि शेषाचलम तेलंगाना में। तो जो ये पूर्वी घाट पर्वत है उसको जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो जैसे जो नालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये जो है इसको आंध्रा में बोला जाता है, और शेषाचलम जो है तेलंगाना में। ये पहले आंध्रा में था लेकिन तेलंगाना जब अलग हुआ तो ये तेलंगाना में ही शेषाचलम चला गया। तो ये हमने देख लिया, एक बार इनकी अवस्थिति हम जरूर देख लेते हैं। ये रहा, अभी हमने क्या देखा कि जो पूर्वी घाट है वो अलग अलग राज्यों में, पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जानते हैं, हमने यही देखा। तो वो स्थानीय नाम आंध्रा में, तो ये वेलिकोंडा है, ये वेलिकोंडा है, और वेलिकोंडा कहाँ पे है, आंध्रा में। शेषाचलम ये रहा, ये अब तेलंगाना में है, क्यों, ये पहले आंध्रा में ही था लेकिन जब ये अलग हुआ, डिवाइड हुआ तेलंगाना, तो ये शेषाचलम जो है वहीं पर ही चला गया। तो हमने ये देख लिया वेलिकोंडा। उसके बाद है वेलिकोंडा, पालकोंडा और नालकोंडा। एक मिनट, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। ये शेषाचलम है,
यहाँ पे सही से आप देख पाएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये है नल, ये है वेलकोंडा, ये है पालकोंडा और ये है शेषाचलम। वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए आंध्र प्रदेश, और ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में, ये तेलंगाना में शेषाचलम। तो ये हमने देख ली इसकी अवस्थिति। तो पूर्वी घाट के पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है, वेलिकोंडा, नालकोंडा, पालकोंडा आंध्रा में, जबकि शेषाचलम जो है तेलंगाना में बोला जाता है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये कुछ पहाड़ियां दी गई हैं, इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पंचामलई, जावेदी, सेवराय और सिरुमलई, तो हमें इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा होगा। सबसे पहले होगा जावेदी, फिर होगा सेवराय, फिर होगा पंचमलई, फिर होगा सिरुमलई। तो ये इनका सही क्रम है। सही क्रम क्या है? जावेदी, सेवराय, पंचामलई और सिरुमलई, ये इनका सही क्रम है। और ये जो है, ये किससे बनी हुई है? चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। तमिलनाडु में इनका विस्तार है। इनका विस्तार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम, इनका भी अवस्थिति। अगर इसको भी देख लीजिए एक बार, इसमें दिख रहा होगा सही से, नहीं तो फिर मैंने जो खुद से मैपिंग की है उसमें मैं दिखा दूंगी आपको। ये रही जावेदी, इसका भी तमिलनाडु में है, सेवराय, पंचामलई और ये सिरुमलई, ये इनका क्रम है। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले होगा, सबसे पहले जावेदी, ये रही जावेदी उत्तर में, उसके बाद क्या है, सेवराय, उसके बाद सेवराय, ये रहा सेवराय, फिर है पंचमलई, फिर है पंचामलई और फिर है सिरुमलई। तो ये सभी, ये इनका क्रम है। और ये किससे निर्मित है? चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। एक बार इसमें भी दिखा देती हूँ, अगर उसमें आपको सही से ना दिखे। ये रही जावेदी, ये है सेवराय, ये है पंचामलई और ये है सिरुमलई, ये इनका क्रम है। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है, ये हमने देख लिया। तो ये इनका क्रम मैंने बता दिया आपको उत्तर से दक्षिण। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पहला कथन है, पश्चिमी तट मैदान का विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तट जो वेस्टर्न घाट का मैदान, वेस्टर्न घाट का मैदान है, जो वेस्टर्न घाट है उसका मैदान का विस्तार कहाँ से है? गुजरात से कन्याकुमारी तक है। और दूसरा कथन है, पश्चिमी तट मैदान की ज्यादा चौड़ाई नर्मदा और तापी के बीच में। और इसकी जो ज्यादा चौड़ाई है पश्चिमी तट की, वो कहाँ पे है? नर्मदा और तापी के बीच में है। और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है ये दोनों कथन। तो इसका कहाँ से कहाँ तक है विस्तार? गुजरात से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। तो ये हमने देख लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन करें। राज दिए गए और तट दिए गए, हमें बताना है कि ये राज जो है कहां से कहां तक, किस नाम से बुलाया जाता है। तो गुजरात से गोवा तक, कोकण तट, गोवा से कन्नड़ तट और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो ये इनका सही, बिल्कुल सही सुमेलित है सभी, कि गुजरात से गोवा तक को क्या बोलते हैं? कोंकण। और गोवा से कर्नाटक, कन्नड़ तट और मंगलोर बोल लो या फिर कर्नाटक या मंगलोर, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है, मालाबार तट का ज्यादातर हिस्सा केरल में है। मालाबार जो तट है उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? केरला में है, ये पहला कथन है। दूसरा है, मालाबार तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती है। मालाबार तट जो है उस वहां पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। तीसरा है, अंटामुदी और बेम्बानाड झील केरला में है, स्थानीय नाम में कयाल कहते हैं। स्थानीय नाम जो है कयाल है, वहां पर झीलों को क्या बोलते हैं? कयाल। तो अंटामुदी और बेम्बानाड झील केरला में है।
चौथा है भरतपुषा और पेरियार नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और दोनों ही कहाँ पे निर्माण करती हैं ज्वार नदमुख का? केरला में। भरतपुषा और पेरियार नदियां, पेरियार दोनों नदियां, भरतपुषा और पेरियार दोनों नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, कहाँ पर? केरला में। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है कि मालाबार तट का ज्यादातर हिस्सा केरला में है। मालाबार तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। केरला में जो झीलें हैं उनको स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। अंटामुदी और वेम्बानाड झील केरला में ही है। भरतपुषा और पेरियार नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और दोनों ही केरला में। ये सभी कथन बिल्कुल सही है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, एक साथ हम एक बार मैपिंग कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है पश्चिमी घाट तीव्र ढाल वाला है। पश्चिमी घाट तीव्र ढाल वाला है। दूसरा है यहाँ नदियां तीव्रता से बहती इसलिए डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं उसका जो पश्चिमी घाट है वो तीव्र ढाल वाला है। वहां पे जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो इतनी तीव्र होती हैं कि वो जो है क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण ना करके वो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और नर्मदा और अगला कथन है, नर्मदा और तापी का ज्वार नदमुख गुजरात में, मांडवी नदी का गोवा में, और शरावती नदी का ज्वार नदमुख कर्नाटक में है। ये कह रहा है नर्मदा और तापी का कहाँ पर है? गुजरात में है जो ज्वार नदमुख है, मांडवी का गोवा में है, शरावती नदी का ज्वार नदमुख कर्नाटक में है। अगला कथन है ज्वारी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये कह रहा है ज्वारी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो ज्वारी नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी जो है क्या करती है, ये भी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और कहाँ पे करती है? गोवा में। तो यही कथन गलत है, बाकी सभी कथन बिल्कुल सही है। ज्वारी नदी का डेल्टा गोवा में है। अगला प्रश्न है, इसमें हमें कथन दिए गए हैं और सत्य कथन का चयन करना है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान था उसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ थी? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में थी। और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है हुगली से कन्याकुमारी तक, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दूसरा है, जब भी आप क्वेश्चन किया करिए तो कंपेयर करने की कोशिश करिए, इसे आपको याद रहेगा। दूसरा कथन है, गोदावरी और कृष्णा अपने डेल्टा का निर्माण आंध्र प्रदेश में करती हैं। गोदावरी और कृष्णा का तभी मैंने बताया था कि हाँ, इन दोनों का डेल्टा ऐसा है कि जो पूर्वी घाट है वहां पर, मतलब ये आपस में मिल गया है, पूर्वी घाट वहां से गायब हो गया उतनी दूर पे। तो गोदावरी और कृष्णा अपने डेल्टा का निर्माण आंध्रा में करती हैं। आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील एक लैगून झील है और इसी के बीचों बीच श्रीहरिकोटा छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है, गोदावरी और कृष्णा के बीच का भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो भाग है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी सिंधु है, इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली पांच सहायक नदियों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है बताते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, झेलम रावी चेनाब व्यास सतलज, झेलम रावी व्यास चेनाब सतलज, झेलम चेनाब रावी सतलज व्यास। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले झेलम होगा, चेनाब रावी व्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, ये इसका सही क्रम है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, सिंधु और सतलज के बीच का स्थान पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। सिंधु और सतलज के बीच का जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो क्या कहलाता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा है, झेलम एकमात्र है, झेलम जो है एक नदी जो है एकमात्र है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, जबकि चेनाब रावी और ब्यास का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश है। बिल्कुल सही कथन है ये, और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। पांचों नदियां सम्मिलित रूप से पाक की मिठान कोट में सिंधु के बाएं तट पर अपनी जल गिराती हैं। हाँ, जो व्यास नदी है वो सीधा जो है उसमें जाकर नहीं मिलती है, वो सतलज की क्या है, सहायक नदी, सतलज में जाकर मिलती है, फिर अपने जल को सीधे रूप से वो जाके जल नहीं गिराती है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ये नदियां हैं, ये उद्गम स्थान है। पहला है सिंधु, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये मानसरोवर में है। दूसरा है सतलज, राकसताल मानसरोवर, झेलम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील, चेनाब बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और व्यास व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश।
कौन सा सही सुमेलित है? ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। और याद रखना चाहिए कि नदियों का उद्गम स्थान क्या है, सिंधु और सतलज दोनों ही मानसरोवर के, सिंधु जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और सतलज राकस्ताल से निकलती है। झेलम जो है एकमात्र नदी है जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील है वहां से निकलती है। चेनाब बारालाचा दर्रा हिमाचल, ये याद रखिए चेनाब रावी और व्यास ये तीनों ही जो है हिमाचल से निकलती है। चेनाब बारालाचा दर्रा, रावी का रोहतांग और व्यास का याद रखिएगा व्यास कुंड, तो ये तो याद हो जाएगा चेनाब बारालाचा रावी रोहतांग दर्रा, रासे रावी रासे रोहतांग दर्रा, तो ये याद रखिएगा। और चेनाब का याद रखे बारालाचा दर्रा, ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्यकथन का चयन करें। पहला है व्यास नदी सतलज की सहायक एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश न करके पंजाब में हरके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। दूसरा है सिंधु भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो पहली कौन सी है? पहली ब्रह्मपुत्र है, तो सिंधु भारत की दूसरी सबसे पहली नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरा है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी तथा भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है साउथ इंडिया की तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर भारत की दृष्टि से देखा पूरे भारत की तो पांचवी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला कथन है लेह सिंधु के बाएं तट पर बसा हुआ है। लेह जो है कहां पर बसा है? सिंधु नदी के बाएं तट पर बसा है। और ये सभी कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है जास्कर श्याग सिगार और गिलगिट ये नदियां सिंधु के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ये नदियां जो है क्या है बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जास्कर श्याग सिगार गिलगिट और ये सभी नदियां कहां पे मिलती हैं? सिंधु के बाएं तट पर। और सिंधु की सहायक नदियां हैं श्योक काबुल कुर्रम और गोमल सिंधु के दाएं तट पर आकर मिलती है। तो दाएं तट पर आने वाली कौन सी नदियां हैं? श्योक काबुल कुर्रम और गोमल। श्योक काबुल कुर्रम गोमल तो ये सिंधु के दाएं तट पर आकर मिलती है। हमें इसमें से गलत कथन देखना था, कोई भी गलत नहीं है, ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला है सिंधु नदी पर समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के संदर्भ में सत्य कथन है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था उसके संदर्भ में क्या ये कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है सिंधु नदी तंत्र की छह प्रमुख नदियों में से पश्चिम की तीन नदियों में 20% जल का प्रयोग भारत और 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। तो जो ये इसकी जो छह प्रमुख नदियां हैं इसकी सिंधु नदी तंत्र की, एक सिंधु और उसकी जो पांच सहायक है, तो जो पश्चिम की तीन नदियां हैं तो पश्चिम की तीन नदियों का 80% कौन करेगा यूज? वो पाकिस्तान करेगा। और 20% जो उसका जल है उसका यूज कौन करेगा? भारत करेगा। लेकिन जो पूरब की तीन नदियां हैं रावी व्यास और सतलज उसका 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। एक बार हम मैप देख लेते हैं। देखिए ये कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट ये रहा गोवा तक, और उसके बाद ये है मालाबार। तो हमने क्या बोला था कि मालाबार का जो है ज्यादातर हिस्सा जो है कहां पर है? केरला में है। तो ज्यादातर हिस्सा केरला में है। इधर हम देखेंगे तो ये जो तमिलनाडु है उसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु के साइड को कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु हो गया कोरोमंडल कोस्ट, और इधर है ये मालाबार तट, और ये है कोंकण। तो कोंकण ये रहा, मालाबार और कोरोमंडल तट इधर है। अब उसके बाद हम एक बार रिवर्स को देखते हैं, इसमें सही से दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, ये मैंने मैपिंग की है, इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हिमाचल प्रदेश, ये बारालाचा दर्रा और ये रोहतांग दर्रा, ये रहा रोहतांग दर्रा।
तो रोहतांग से कौन निकलती है? रावी। और बारालाचा से कौन निकलती है? चेनाब। ये रहा। सिंधु कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहां से सिंधु निकलती है। ये रहा राकस्ताल, और इधर मानसरोवर झील, ये रही। और यहां से ये दोनों नदियां निकलती हैं, ये जाती है सीधा और ले ये रहा। तो ये सिंधु के कहां पर है? ये रही सिंधु, और सिंधु के बाएं तक पर ये रहा लेह अवस्थित है। सिंधु क्या करती है कि जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु क्या करती है? गार्ज बनाती है, उसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगित के समीप ये हमने देख लिया इसकी अवस्थिति। और ये कपूरथला के निकट हरके, यहां पर क्या होता है कि जो रावी है वो सतलज से मिलती है, रावी सतलज से मिल जाती है। हरके बैराज है ये पंजाब में, और यहीं पर वो मिल जाती है, रावी सतलज से मिलती है। तो हमने देख लिया ये नदियों की अवस्थिति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।